कर दे देवा और गंदा दे कुंड
ਕੁੰਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜਗੋ ਪਿਰਥਾ ਕੁੰਤੀ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਦੇਸ ਕਰਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕਾ ਕਰਬਾ ਸੇ ਮਿਲ ਜਾਈ ਮਿਸਰੀ ਦਾਸਾ ਮੇਵਾ ਹਰ ਸਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾ ਚ ਕਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲ मामा जी लगते हैं उनकी तरफ से 1100 रुपए जो बच्चे के हाथ में सम्मान होते हैं, 101 रुपए जो मीरा बाई को सम्मान होते हैं, 101 रुपए गाने वालों को सम्मान होते हैं, जिन्हें बार बार धन्यवाद। भगत जी राम राम, राम राम। तू मैं तेरा साथ का मेरा आयोड़ा सभी रिश्तेदार ने मानो भगवान ने अभी आ रही जगह थरे सर आज की आए थे दिखाई दिखाई रही थे ये काट रही है गेहूं काट रही है गेहूं काट रही है अच्छा और रोया तो उसी मौत में जो तेरे बिना से तुम देखे और भी ठीक है आप वो कहनी आबो हो जो आज थारो आबो हो गए मारो आबो हो अच्छा अच्छा मारो के न्यारो तो कोई मन न्यारो मारो ए जना थई बताओ मैं थारो न्यारो थे मारो न्यारो थे कट्टे ना जी ये तो सभी का फिर मान सम्मान सभी का बराबर है फिर सब आजमन प्यार तू तेरा मन से तू ज्यादा जैसे या बात मेरे भी विश्वास थे हां काय के गिरे ये बात है और उनिया तो आया से ठीक साफ हां काय ठीक थे बने ये पे एक्सेल टूट गया है एक्सेल दे टूट हुआ है गाड़ी के नीचे देर तोड़ दियो तेरी लाज करवा दी हो गई तो मत देखो सही हो नहीं है सही अब टाइम लाग को सही हो भम जय राम के काम करबो करा दा आप फैक्ट्री में नहीं जाता प्लान फैक्ट्री में मैनेजर हां मैनेजर को मतलब के हो भगत जी अंदर ले दे बाहर काट दे अच्छा मैनेजर को मतलब अंदर लेना और बाहर काटना बात बजाय बाद में बाहर काटना अंदर के 1 बजे ले दे सिर्फ 8 बजे 8 बजे अंदर ले दे 5 बजे बाहर काट दे 8 घंटे ड्यूटी जाते ही प्रथा कुंती उनकी बड़ी सेवा में हाजिर होती है सेवा से प्रसन्न होने के पश्चात दुर्वासा ऋषि की आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है और ये कहता है खड़ा होकर के दुर्वासा ऋषि ये कहता है कि हे कुंती आज मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ जो भी तू मुझसे मांगना चाहती है वही मैं आपसे गुबर देने के लिए तैयार हूँ जब इसी प्रकार से कहते ही कुंती हाथ जोड़ करके कहते हे महाराज ऋषिराज आप जैसा आपके मुख से मेरे को दे दोगे वो भी वचन मेरे लिए सब बातों के समान अच्छा है तब खड़ा होकर के उनको दुर्वासा ऋषि ये वचन देता है कि जा सेवा आपको ये ऐसा मंत्र बता करके जाता हूँ कि उस मंत्र का आह्वान कर करके किसी भी देवता को तू अपने वश और अपने आह्वान में करना चाहेगी वो देवता मेरे तत्पर
हो जाएगा। ऐसा वचन देख करके दुरासा लाल भवन से निकल करके अनंत स्थान के ऊपर जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होना शुरू हो जाता है और एक समय अपने भाई कुंती भोज के राजभवन के अंदर कुंती बैठी हुई प्रातः काल भगवान सूर्य उदय हो गया था। सुबह का समय था और उगता हुआ भगवान सूर्य को देख करके अकस्मात वो दुर्वासा ऋषि जो वचन देकर के गया था उस दुर्वासा ऋषि का वचन याद आता है और राजभवन के ऊपर जाने के लिए एक तैयार होती है और मन में विचार करती है तो किस प्रकार से कर रही थी और किस प्रकार से राजभवन से चल करके सीधी चल करके राजभवन के ऊपर जा रही थी।
परमात्मा चलके कोर किसी के आवे कुदरत वेगी दानु पानी सुनवो मेल में लावे ऐसी देख कुसी की टेम दाता दानु पानी कहीं चकरा ने जावे अल सब आवे छे राम फल जी रिश्तेदार की बात के वाले के गुरु मिला बनवारी बैठर चरणा पित्या पावो अर ओच बचिला की काम ना आवे कदबी ओच पना की वो खाते बेवाले उठती है आपके बीच में कथा प्रसंग इस प्रकार से था कि बैठ करके जब कौन भोज आंखों में जल बहाता अपने मित्र से कहता कि मित्र बिगर संतान इस संसार में क्या है कुछ नहीं है कोई कोई आदमी तो बिगर संतान ही का देख करके दर्शन करके वापस करके घर चला जाता है। भैया अब मुझे कोई ऐसा जतन बताइए आज जब उसी समय पूछ करके मित्र कहता है कौन भोज को तो क्या तो कह रहा था क्या कहता बैठा कौन भोज सुन रहा हुआ और क्या खड़ा खड़ा उस सैन की बात सुन रहा था और ये 501 रुपए जो हमारे बीच में लक्ष्मणगढ़ से भाई बहुत अच्छा कलाकार है जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से चल करके आते हैं नाचने वाले कलाकार श्रीमान जी चुटकी और इधर से रोहतास जी पाठी ये भी बहुत पुराना कलाकार है दोनों मिलकर के बच्चे के हाथ में 500 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद 500 रुपए ये 501 रुपए तेरी बात में